हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं यूपी पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीएस और आईटी ब्रांच के हैं, उनके लिए डीबीएमएस मींस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं सारे प्रीवियस 10 ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस कई बार पूछे गए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। और यहाँ मैंने इस वीडियो में टोटल 16 क्वेश्चंस ऐड किए हैं। ये हमारा पार्ट वन है, और अगर आप लोग जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इतने रेडी कर लेंगे तो आपको पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, इसके आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा या फिर आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगा। तो जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल एग्जाम लोग को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, आइए देखते हैं एक एक करके। देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये आपको लिखना है, बताना है। सेकंड है डीबीएमएस की विशेषताएं, इसकी क्या फीचर्स हैं, ये आपको बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डीबीएमएस के आर्किटेक्चर को समझाइए, देखिए इसका फिगर बनाना है आपको और इसके बारे में कुछ लाइनें आपको लिखनी है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, देखिए स्कीमा आर्किटेक्चर आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, मैंने इसमें स्टार लगाया है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस कई बार पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी वो प्रीवियस कई बार पूछे गए हैं, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल में से है ये एक ईआर मॉडल, इसको भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवा क्वेश्चन, 1NF 2NF 3NF की विवेचना कीजिए और नॉर्मलाइजेशन क्या है 4NF और 5NF भी बताइए। देखिए NF क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म्स, ये नॉर्मलाइजेशन में हम लोग नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ते हैं, ये 5 से ज़्यादा भी शायद 7 होते हैं, लेकिन इसमें 5 दिया है बुक में तो हम लोग 5 ही पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस कई बार पूछा गया है। और इसके बाद हमारा सातवा क्वेश्चन है व्यू को उदाहरण सहित समझाइए, ये व्यू कई बार पूछा गया है और ये भी थर्ड जो स्कीमा है इसी में यूज होता है, और व्यू के साथ आप लोग ज्वाइन भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज्वाइन भी पेपर में पूछा जाता है। आठवां क्वेश्चन है रिलेशनल अलजेब्रा के मौलिक ऑपरेशंस की व्याख्या कीजिए, देखिए उसमें डिफरेंस वगैरह कई सारे ऑपरेटर्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, मैं सभी के स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा सारे क्वेश्चंस के आंसर का। और उसके बाद है नौ नंबर इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, देखिए कॉन्स्ट्रेंट्स भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें दो आएंगे इंटेग्रिटी में, एंटिटी और एक कोई और है रेफरेंशियल ऐसे शायद, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और दसवां क्वेश्चन हमारा इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन ये आप लोग प्रीवियस ईयर में पढ़े होंगे, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा फिर से। और इस क्वेश्चन के साथ आप लोग डेटा सिक्योरिटी भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि डेटा सिक्योरिटी में ही इंक्रिप्शन आता है, और डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग डेटा को मैनेज कर रहे हैं, मैनेज करना सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग को डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा रिलेशनल डेटाबेस में रिलेशंस के संदर्भ में निम्नलिखित कीज़ की व्याख्या कीजिए, देखिए की शायद 4 प्रकार की होती हैं, मैंने यहाँ 3 ही डिफाइन किया है, सुपर की, प्राइमरी की और फॉरेन की, ये कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन की सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये कीज़ आप लोग ज़रूर पढ़िएगा ठीक है। इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है हायरार्किकल मॉडल और रिलेशनल मॉडल में डिफरेंस बताइए, देखिए कितने प्रकार के मॉडल होते हैं ये हमने 14 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए डीबीएमएस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखिए, ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि डीबीएमएस के आपको लाभ और हानि लिखना है, तो आप लोग इसमें इसको पॉइंट्स में आप लोग लिखिएगा, रेडी कर लीजिएगा 5-5, 6-6 पॉइंट्स में। और इसके बाद हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है डेटा मॉडल को परिभाषित कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस कई बार पूछा गया है, लगभग सभी प्रीवियस मॉडल पेपर्स में आपको देखने को मिलेंगे कि डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, इसको परिभाषित कीजिए, इसके टाइप्स लिखिए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए हमारा पहला डेटा मॉडल है हायरार्किकल, दूसरा है नेटवर्क, तीसरा है ईआर मॉडल, चौथा है रिलेशनल और पांचवा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये पांचों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पांचों में से कम आपको दो तो पेपर में पूछे ही जाएंगे। और हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है DDL DML और DCL की विस्तृत विवेचना कीजिए, इन तीनों में से आपको एक देखने को ज़रूर मिलेगा क्योंकि ये लैंग्वेजेस हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन है PL SQL क्या है। तो ये थे हमारे आज के 16 क्वेश्चंस, आई होप आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे और प्रिपेयर करेंगे एग्ज़ाम के लिए क्योंकि इन्हीं सारे क्वेश्चंस में से आपसे पूछे जाएंगे। और हमें आपसे उम्मीद है कि आपका थर्ड सेमेस्टर के बाद फोर्थ में और अच्छे नंबर आएंगे,
तो आप लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़िए, टाइम बहुत ही कम है, 15 जून से एग्ज़ाम्स हैं। ओके देन फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड विथ योर जूनियर्स। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।